पिछले कुछ महीनों में इसराइल में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। इसराइल के शहर अलाद में दो अज्ञात लोगों द्वारा किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कुल्हाड़ी और बंदूक से लैस हमलावरों ने एक स्थानीय पार्क में पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि दूसरे हमलावर ने कुल्हाड़ी से लोगों पर वार किया। इन हमलावरों ने पार्क के अलावा कई दुकानों और रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया। You can see right behind us a restaurant. Families and friends were sitting having a supper and drinks, and all of a sudden a terrorist came over and shot them, shot 10 innocent people and injured them. बड़ी बात ये कि ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब इजराइल अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं जब ये हमला हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे और अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। I'm coming from North Tel Aviv and I'm going down Dizengoff and I'm driving. There's no police yet and I see a bunch of people running and I hear loud noises. So I ran this way and I parked right here. पुलिस ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया और बताया कि हमला स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद हुआ। जिस वक्त हमला हुआ, पार्क में लोग छुट्टी मना रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने एक को मौत के घाट उतार दिया, वहीं एक हमलावर की तलाश जारी है। हर जगह नाकाबंदी कर दी गई है और लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों और उनकी मदद करने वालों को पकड़ेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल अवीव पर हमले, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान और जेरूसलम के सबसे संवेदनशील पवित्र स्थल पर हिंसा के बाद से हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ा है। फिलहाल प्रशासन ने इलाके के लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है, ताकि वो घटना स्थल से एक कार के माध्यम से फरार हुए आरोपी को तलाश सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।